नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं ग्रेटर नोएडा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बीमटेक में इंश्योरेंस का प्राध्यापक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अभी हाल में ही इंट्रोड्यूस की गई पॉलिसी आरोग्य संजीवनी के बारे में बात करना चाहूँगा। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस का उस पूरे प्लानिंग में होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम ये समाज में देख रहे हैं कि सरकारी व्यवस्थाएं कोलैप्स करती जा रही हैं या फिर वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते जा रहे हैं, और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारी में भी अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाए 3-4 दिन के लिए तो 40-50 हज़ार का बिल बनना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। माइनर सर्जरी, हर्निया, एपेंडेक्टोमी वगैरह के लिए भी 1-1.25 लाख का बिल बन जाना बिल्कुल ही आसान हो गया है। इस स्थिति में एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बीमार पड़ना या सर्जरी की नौबत आना एक ऐसा अभिशाप होता जा रहा है जो शायद पूरी फाइनेंशियल सेविंग जो भी आपके पास होता है उसके ऊपर एक डांका जैसा प्रतीत होने लगा है। और इस स्थिति में हर व्यक्ति के पास एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये अच्छी बात है कि पिछले 10-12 सालों में भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस ने काफ़ी पिकअप किया है और लोग आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। लेकिन एक बड़ा ही प्रैक्टिकल दिक्कत वहाँ आती थी और ये था कि आज हमारे देश में लगभग 30 इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती हैं और हर इंश्योरेंस कंपनी के पास 4-5 डिफरेंट काइंड्स के प्लान्स हैं। यानी मार्केट में कम से कम 150 प्लान ऐसे हैं जिसको बेचने के लिए एजेंट्स या ब्रोकर्स लोगों को संपर्क करते हैं। एक आम कस्टमर के लिए ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे समझे कि जो पॉलिसी उसको दी जा रही है वो उसके लिए ठीक है या वो एक अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि कहीं भी एक बेंचमार्क जैसी स्थिति बन नहीं पाती थी। इस प्रॉब्लम को हमारे यहाँ के रेगुलेटर IRDA ने समझा और उन्होंने पिछले साल एक इनिशिएटिव लिया जिसकी मैं बहुत ही प्रशंसा कर रहा हूँ। उन्होंने ये तय किया कि IRDA खुद एक प्लान बनाएगी जिसके टर्म्स कंडीशन बहुत ही स्टैंडर्ड होंगे और वो सबके लिए मान्य होंगे, सबके लिए बाध्य होंगे। और उन्होंने ये जरूर छूट दिया कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उस प्लान की प्राइसिंग अपने स्टेटस, अपने अंडरराइटिंग कंडीशन, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार करे। यानी पॉलिसी के जो बेसिक फीचर्स होंगे, जो एक्सक्लूजन इंक्लूजन जो भी होगा वो सब एक जैसा होगा। एक क्रॉस ऑल इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम अलग अलग होने की संभावना है और प्रीमियम अलग अलग होना भी चाहिए क्योंकि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती है। और इस पॉलिसी का नाम भी बहुत अच्छा दिया गया, आरोग्य संजीवनी। आरोग्य का मतलब स्वस्थ होना और संजीवनी बूटी से संजीवनी वर्ड लिया गया है। ये पॉलिसी पिछले 1 अप्रैल से लागू हो गई है और हर कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के कारण अभी शायद हर कंपनी के वेबसाइट पर ये चीज़ें अभी सामने नहीं आ पाई होंगी। अब मैं आपसे इस पॉलिसी के कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ये एक पॉलिसी है जिसमें कि मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख तक अलाउड है और बीच में आप इसको 50,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं। यानी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की पॉलिसी आप ले सकते हैं। इस पॉलिसी में मैं सारा कैलकुलेशन 5 लाख का मान के चल रहा हूँ। तो अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो इसमें रूम रेंट 5,000 पर डे तक का अलाउड है। ICU के चार्जेस के लिए 10,000 पर डे अलाउड है, जो कि किसी भी रिजनेबल अच्छे हॉस्पिटल के लिए काफ़ी सफिशियंट है। इन केस अगर आपको हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस की सर्विस लेने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो उसके लिए 2,000 का है। लाइक एनी अदर प्लान, यहाँ भी डे केयर सर्जरी का प्रोविज़न है। डे केयर सर्जरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऐसी सर्जरी होती हैं जिसके लिए रात में या हॉस्पिटलाइजेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डॉक्टर के पास सुबह गए, आपका इलाज हुआ, सर्जरी हुई और आप डिस्चार्ज होकर शाम को अपने घर आ सकते हैं। इन सब चीज़ों का भी प्रोविज़न इसमें किया गया है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि नॉर्मली बाकी सारी पॉलिसियों में आयुष ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, बहुत सारी पॉलिसियों में उपलब्ध या तो नहीं होता है या उसका एक लिमिट तय होता है। इस पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट भी अलाउड किया गया है। बस अंतर ये है कि ये ट्रीटमेंट एक रिकॉग्नाइज्ड आयुष हॉस्पिटल से ही मिलना चाहिए। बाकी पॉलिसियों की तरह यहाँ भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन अलाउड है।
यहाँ मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बीमार पड़ता है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, शुरू में कुछ ट्रीटमेंट चलता है, फाइनली उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तो अगर इस तरह का कोई भी खर्च जो हॉस्पिटलाइजेशन होने के 30 दिन पहले से चल रहा है और फिर हॉस्पिटल से रिलीव होने के बाद भी अगर दवा दारू चल रहा है अगले 60 दिन तक, वो यहाँ कवर है। एक चीज़ आप मान के चलिए कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ वैसी पॉलिसी है जिसमें आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना कंपलसरी है। ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है सिवा के वो डे केयर जो मैंने आपको पहले बताया। इस पॉलिसी में अगर आपका साल भर में क्लेम नहीं आता है कोई, तो कुमुलेटिव बोनस का भी प्रोविजन है, यानी 5% सम अश्योर्ड अपने आप अगले साल के लिए ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और आप कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली 5,25,000 की हो जाएगी, और ये बढ़ोतरी तब तक होती रहेगी जब तक आपका सम एश्योर्ड 50% नहीं बढ़ जाता, यानी पॉलिसी 7.5 लाख की नहीं हो जाती है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक वेटिंग टाइम होता है, यहाँ भी है, यानी पॉलिसी लेने के अगले 1 महीने तक किसी भी बीमारी का इलाज का प्रोविजन इसमें नहीं है। हाँ, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसका इंतजाम रहता है, और ये हर पॉलिसी में ऐसा ही इंतजाम रहता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो और उस वक्त ऑलरेडी आप कुछ बीमारियों से आप ग्रसित रहते हो, जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटिक हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, इन सब चीज़ों को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं। तो जैसा कि बाकी पॉलिसियों में होता है, यहाँ भी यही प्रोविजन है कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो पॉलिसी लेने के अगले 4 साल तक आपको उस बीमारी से संबंधित कोई भी इलाज का खर्च नहीं मिलेगा। हाँ, 4 साल का पीरियड बीतने के बाद आपको उस बीमारी से संबंधित दवा दारू का भी खर्च मिलेगा। यहाँ भी इस पॉलिसी में भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के कारण इंजुरी है, अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़, स्टरलिटी या इनफर्टिलिटी का, मैटरनिटी का, ओपीडी, ये सारी चीज़ें किसी भी स्टैंडर्ड पॉलिसी में होती हैं जिसका इलाज के खर्च संभव नहीं हो पाते हैं। ये पॉलिसी भी केवल इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट के लिए लागू है, यानी इंडिया में जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा उसी का ये खर्चा है। एक जो पॉलिसी जिसको आप शायद इस पॉलिसी का निगेटिव पॉइंट कहेंगे, लेकिन यही निगेटिव पॉइंट आपके प्रीमियम के लिए अच्छा पॉइंट बाद में बन जाता है, वो ये है कि यहाँ को पेमेंट, 5% को पेमेंट की व्यवस्था है, यानी हर क्लेम में पॉलिसी धारक को अपने तरफ से 5% कंट्रीब्यूट करना है। अगर 1 लाख का बिल आया है तो 5,000 रुपया पॉलिसी होल्डर देगा, यानी जो जिसके नाम से पॉलिसी है, और 95% पैसा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आएगा। अब आप जानने के लिए शायद इंटरेस्टेड होंगे कि इस पॉलिसी का प्रीमियम क्या है। तो जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी हो, मैंने थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करने की कोशिश किया है, पॉलिसी काफ़ी एफोर्डेबल है। हम मान के चलते हैं कि एक फैमिली है जिसके कि मुखिया जो हस्बैंड है वो 40 साल की एज के हैं, वाइफ है और 2 बच्चे हैं। अब बच्चों का एज लगभग टीनेजर्स ही होंगे। अगर इस तरह की फैमिली है तो 5 लाख की पॉलिसी के लिए इसका प्रीमियम मैंने देखा लगभग 12-13 हज़ार से लेकर के 18-19 हज़ार, चूँकि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग प्रीमियम होगा, एवरेज आप मान के चलिए 15 हज़ार के आसपास आएगा। और अगर यही फैमिली ऐसी है जिसमें कि मुखिया, घर के मुखिया 50 साल के हैं तो बच्चे 20-22 साल के होंगे, तो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का प्रीमियम, फैमिली फ्लोटर प्लान बोलते हैं इसको, उसका प्रीमियम लगभग 22-23 हज़ार के आसपास एवरेज आ रहा है, यानी 18 हज़ार से लेकर के मैं देखा 26-27 हज़ार। एक एक कंपनी का तो प्रीमियम 35 हज़ार रुपया भी मुझे दिखाई दिया। तो चलिए उनको छोड़िए। अब रही बात, आप शायद ये पूछें कि किस पॉलिसी, किस कंपनी से ये पॉलिसी लिया जाए। यहाँ मेरा अपना कोई अपना विशेष मत नहीं है, ना ही मुझे ये बताने की ज़रूरत है। किसी भी रिजनेबली गुड ब्रांडेड कंपनी जिसके बारे में आप जानते हों, आप देख लीजिए शुरू की 3-4 कंपनी जो भी आपके दिमाग में आए, और बस प्राइस पे आप तुलना कर लीजिए, क्योंकि पॉलिसी फीचर, पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो तो हर पॉलिसी में एग्जैक्टली एक ही होने वाले हैं, और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कम से कम जिन्होंने कोई पॉलिसी पहले से नहीं ले रखी हो, आप इस पॉलिसी को जरूर लें और अपने परिवार के हेल्थ की सुरक्षा करें। धन्यवाद।